जी मौत है वो एक्सीडेंट रा नहीं हुई वो करवाई गई है। नौजवानी जगाने खातर एक सीधे रस्ते आया सी दपाउण वो इन्हों चंगा नहीं लग्या। पहली गल तो जी लड़की वो नाल बैठी जी वो एक रात भी नहीं कट्टी वो कनेडा चली गई। साडे कौम का एक हीरा सीगा जी वो साडे कोल अज खुस गया। जो अपने को बंदा होंदा अपना वो कदर नहीं पाते हूँ यही बेनती है सारे नौजवानों मेरा वीरों भुल ना जाए हूँ वो सोच न बचा के रखे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी की ना है जी अपना? भोला सिंह। कितों आए जी? असं बरनाले जिले चो भूरे कोबे पिंड आ जी। एक माहौल इतने बने हुआ भावुक माहौल है। दीप सिद्धू बारे जो तुम कहना चाहो दो मतलब थोड़े शब्दों बयान करना हो तो कहोगे? असी तो कहेंगे भी साढ़े कौम का एक हीरा सीगा जी वो साढ़े को अज खुस गया मतलब भी सानू इधर मुड़ के मिलना नहीं यह कौम का हीरा कोई नौजवान कि विचारधारा से उन्होंने केचार से जो तुम उन्होंने प्रभावित हुए थे? एक तो साढ़े सिखी स्वरूप दे रहे थे जी कह रहे थे कि सिखी के राह पर चलन वह कह रहे थे वो किसी को होर कोई अहो नहीं कर रहे थे। होर कि सोच से कि विचारधारा से जिन्हें थोड़ा प्रभावित किया? सानू तो बस वो ये भी धर्म बारे बोलता सिखी बारे गल कर रहा इसे उस तो ही असं अहो हो गए कोई वो जान पछाण सा कोई अहो नहीं तो असं वो फैन उतों के बने थे। हाँ जी हाँ कि हाँ जी खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मैं तो यही बेनती करना जो भाई भाई दीप सिंह सिद्धू सीगे ना एक कौम के हीरे से उन्होंने सोच थी संजराज सिंह जी खालसा पिंडरां वालों की सोचते पहरा देने वाले सिंह से वो जो उन्होंने कुछ भी कही गए ये अपने जिहड़ी दूसरी पार्टियां विरोधी पार्टियां होंदियां ने कुछ कही कही गए उन्होंने चाहे ठग है चाहे बीजेपी का बंदा है वो जा किसी का भी बंदा है कैप्टन का बंदा है कुछ मर्जी कही गए पर वो एक आपकी सेध नौजवानी जगाने खातर एक सीधे रस्ते आया सी दपाउण वो इन्हों चंगा नहीं लग्या। वो इन्होंने आप ही जाने कि वो जी मौत है वो एक्सीडेंट नहीं हुई वो करवाई गई है। कह रहे हो कि उन्होंने जी मौत एक्सीडेंट न मरवाई उन्होंने मौत जी एक्सीडेंट न नहीं हुई तो की मंग करते हो प्रशासन या सरकार तो तुम की मंग करते हो? कह रहे भी वो जांच होनी चाहिए है पूर्ण वो पहली गल तो जी लड़की वो नाल बैठी जी वो एक रात भी नहीं कट्टी वो कनेडा चली गई आस्ट्रेलिया अमेरिका चली गई कहने का भाव कि वह भुगत कदा रही भुगत जो उन्होंने मसोची थी वो आई थी वे क्यों नहीं रही उरे भुगत करा रिश्तेदार भी भुगते आ सारे फुलों से आते हैं उन्होंने की एड्डी खवैस पै गई भी असं वापस मुड़ना पै गया उ। ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। की ना है जी थोड़ा? रणजीत सिंह है जी। कितों आए हो जी तुम? पूरे तो है पूरे कुबे बरनाला जिला जी। सानू इत बी जी की सोच ये खिच के लेके आई है जी भी वह सदा सिखी की गल करते सिखी के नाल खड़े थे असं उन्होंने इस सोच के पिछे जी इतने आए हैं। उन्होंने सोच सी भी सारे झंडे छड़ के बस एक केसरी निशान थले सारा पंजाब इकट्ठा हो जाए तो पंजाब का भला हो जूगा जी नहीं कोई भला नहीं होना जी। एक इंसान के तौर पर जो आप देखा जाए तो उन्होंने शख्सियत दे आप देखिए तो उन्होंने शख्सियत के इदा के किड़े पक्ष से जिन्होंने तो उन्होंने प्रभावित किया सब तो ज़्यादा? उन्होंने जोड़े विचार से अडोल से कदे डोलते नहीं गए वो कद किसी तो झुकते नहीं गई जो गल कहते जी वो स्पष्ट मूँह के उपर कह देंगे जी इस करके उन्होंने नाल तुरे। तो कहा जाता कि यूथ आइकन से नौजवानों लिए एक प्रेरणा स्रोत से सारे दे वास्ते तो तुम जे थो अपने शब्दों के उन्होंने सोच न एक स्नेह के तौर पर देना चाहो नौजवान वर्ग के लिए तो तुम की कहोगे? मैं खुद भी ये भी कहना भी सारे भरावों को यह बेनती है भी तुम सिखी नाल जुड़ो वो तो सिखी पढ़ो गुरबाणी पढ़ो बाई की जी एम सी भी किताबा पढ़ो वधिया तो वधिया चंगे तो चंगिया तो वो तो सिक्ख्या प्राप्त करो जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी की ना है जी अपना? मेरा नाम पलविंदर सिंह है जी। कितों आए जी तुसी? असी रौनी तो आए जी आजर करौनी। ठीक है जी तुसी मैं देख रही हूँ कि तुसी लंगर लैके आए हो इत्थे ते केड़ी भावना दे नाल केड़ी चीज़ ने थानू प्रेरित किया कि सानू इत्थे आना चाहिए या भावना तो एवं आई सभा हरेक साल अं लाते हैं लंगर हूँ एवं ही सू हमदर्दी है जी दीप नाल करके बाद श्रद्धांजलि ला लो जी एक तरह की। हाँ जी अपने शख्सियत दीप सिद्धू की शख्सियत ऐसे कि पक्ष से कि गल्ला दीप सिद्धू की जिन्होंने थोड़ा इन्ना इंप्रैस किया या तो प्रभावित हो?
गल्लां तां इही हैगा जी, जिवें अपने हक्कां दी गल करदे हो जगाउंदा हैगा, जिवें अपने पाणी दी गल, भाषा दी गल जी, आ गल्लां उहनां दीआं वधीआ लगदीआं हैगीआं जी। ते जिथे तक आपां देखिआ कि उह किसान मोर्चे दे नाल वी काफ़ी टाइम जुड़े रहे आ, उत्थे वी उहनां ने अपने संघर्ष विच काफ़ी योगदान पाया, ते उहदे बारे तुसीं की कहोगे? हाँ जी, किसान मोर्चे करके जिहड़े लोग जुड़े आ जी, किसान मोर्चे करके जुड़े, सानूं वी उत्थे ही मिले हैगे, उत्थे वी साडा लंगर लग्गिआ होइआ हैगा जी, उत्थे साडे लंगर च आउंदे हुंदे जी। हाँ जी, जद तों फिर उहनां दे विचार सुण के सानूं वधीआ लगदे हैगे जी, यानी किसान मोर्चे करके जिन्नी दुनिया इत्थे आ रही है जी, उत्थों ही जुड़े आ सारे उहनां नाल। जे आपां कहीए कि श्रद्धांजलि दे दो शब्द कहणे होण दीप सिद्धू लई, या इक नौजवान वर्ग लई इक सुनेहा देणा होवे, तां तुसीं की कहोगे? श्रद्धांजलि तो यही है जी, सारे पंजाबियों को बेनती है, तुम ला लो जी अपनी बदकिस्मती है, आप जिउंदे जी बंदे की कदर नहीं पाउंदे जी, जदों अपने कोले बंदा हुंदा अपना उहदी कदर नहीं पाउंदे, जदों बंदा चले जांदा जी फिर उस तो बाद एक पंजाबियों की होर बदकिस्मती आ, असीं भुल बहुत छेती जांदे आ। वा हुण यही बेनती है सारे नौजवानों को, मेरा वीरों भुल ना जाए, हुण उहदी सोच में बचा के रखियो, ऐ ना हो भी हाँ आप थोड़े टाइम बार हम भोग पिया, क्योंकि ज़्यादातर अपने कौम सिख कौम का खास करके भुल जाते हैं, भुल्यो ना उहदी सोच में, याद रखियो उहदी सोच ते अगे चल्यो, यही है जी। कोई गल नहीं।